हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग पहले ये बता दो कमेंट बॉक्स। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी का, बहुत 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 प्यारा सा स्वागत मेरे व्लॉग्स पे। एक और बार आपका शोविक शुरू करने वाला है व्लॉग्स, म्यूजिक वीडियोस रहेगा। ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि आज का ये मौका मिले, फाइनली ये मौका मिल चुका है। भले ही लाइफ में बहुत कुछ मेरा चेंज हो चुका है, बहुत कुछ अलग हो चुका है, एंड उस चैप्टर को मैं हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। आप सभी को पता ही है वो क्या, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, सब लोग सही रहे सलामत रहे यही दुआ करता हूँ। एक और बार आप सबको शुक्रिया, क्योंकि आप सभी के डीएम, आप लोगों के वजह से मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये व्लॉगिंग सीरीज। तो म्यूजिक वीडियोस आता रहेगा, वो सब भी देखो, साथ में मेरा व्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार दो। ये व्लॉग क्यों स्पेशल होने वाला है आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। मैं मेरा बचपन जहां से शुरू किया, मेरे लाइफ का म्यूजिकल कैरियर, डांसिंग कैरियर शुरू हुआ है, पढ़ाई भी हुआ है ऑफ कोर्स, वहीं से मैं नया व्लॉग सीरीज शुरू करने वाला हूं। और गेस व्हाट, आज हमें न्यूज मिला है, गुड न्यूज मिला है कि कल एनुअल डे है, दैट इज 23rd of December 2022 असम रेफरल्स पब्लिक स्कूल का, और हम लोग करने वाला है उसमें एक सरप्राइज परफॉर्मेंस। इतना दिन, 4-5 दिन हम लोग बच्चों को डांस सिखाने गए थे, थैंक्स टू असम रेफरल्स अथॉरिटी प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स for inviting us as a choreographer. And आज इतना special news मिला है कि हम लोग as a ex-student हम लोग perform करने वाले हैं 23rd को December में, annual day के night में, and वो होने वाला है धमाकेदार। तो आज हम लोग 5 बजे जाने वाला है स्कूल फिर से शाम को प्रैक्टिस करने, और वहीं पे आप सबको मिलाएंगे हमारा छोटा सा रीयूनियन ग्रुप से। बने रहो इस ब्लॉग में, मैं अभी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ क्योंकि 4:30 बज चुका है और स्कूल में पहुँचना है ठीक 5 बजे। तो हम पहुंच गया, मैं सोचा कोई नहीं आया, ये रहा मिस्टर आबिर, ये रहा संदीपन लोध बाबू, और वो जाग रहा है, सामने को जाग रहा है। वो है प्रोसेस, प्रोसेस क्या हुआ, सामने को जाग रहा है, किसको ढूंढ रहा है, बेंगलोर। ये अपराजित कहाँ है, अपराजित का स्कूटी लेके उसका काका चला गया, वो गाड़ी लेके आ रहे, बोले आप लोग जाओ मैं आ रहा हूँ। हमारा दूसरा दोस्त गाड़ी लेके आ रहे, ये एक गाड़ी वाला इधर है, दाढ़ी वाला भी है, गाड़ी वाला भी है, इनका चेहरा बाद में एक्सपोज करूंगा। प्राणमय बहुत दूर से आ रहा है, वो बहुत दूर से जोमपुई से आ रहा है, जोमपुई जा रहा है, तू क्यों जा रहा है जोमपुई, फाइनली वी आर रियूनियन। क्या कहाँ जाए, स्कूल में जाएंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए, जाओ जाओ सडनली वाला ब्लॉगिंग वही पुराना फीलिंग ताजा हो रहा है। हम लोग शाम के टाइम आ रहे हैं स्कूल पे, क्या फॉग है, और आज फिर से वही छोटे बचपन का टाइम याद आ गया। ये रहा हमारा प्यारा सा स्कूल, और सच सच के रेडी हो रहा है हमारा स्कूल एनुअल डे के लिए, और अंकल इन लोग उठा एक बार, इन लोग को हम लोग डांस सिखाते हैं। ये वाला फीलिंग अलग ही लेवल का फीलिंग है, वाओ एंड वाओ एंड वाओ। उधर बन रहा है हमारा स्टेज, क्या बात है, और हम लोग करने वाला है सरप्राइज परफॉर्मेंस। ये हमारा रोड बनते हुए पहली बार बाइक इस जगह पे लाते हुए, प्रिंसिपल सर का गाड़ी कुछ है, सो ही इज एक्सपोज्ड, ऐसा है। सो ये स्पेशल कोकोनट बाइट प्रोशिन के लिए, किशनजीत के लिए, नारियल का एनिमी। मैं आप लोगों को मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो इसको की तरफ से सबको ब्लॉग्स की तरफ से सबको इस ब्लॉग की तरफ से शोभिक शोभिक भैया का चला गया, भी बोल बोल, ये माइक नहीं दूसरा माइक, ये बीफ देऊं, ये एनवायरनमेंट ऐसा टाइम नहीं, ये एंबियंस आज से 7-8 साल पहले, मैं सोचा बोलने वाला 7-7 साल पहले। प्रदीप का उसको बुलाएगा, तो ऐसा फीलिंग इनका 8 साल बाद 7 साल बाद मेरा 12-13 साल बाद हो रहा है। Here's our principal sir. Good evening sir. ये अंकल बुलाती है मेरे को। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजिक रूम, वहाँ पे होगा हम लोग का प्रैक्टिस।
सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल म्यूजिक रूम और यहाँ पे श्रुतोभा मैम बैठती है और ये है एवरग्रीन कॉन्गो। हमारा दूसरा भाई भी आ रहा है अपराजित, फिर उनसे मिलाता हूँ। सो स्वागत करते हैं इस अनोखे इंसान का, इसका नाम है अपराजित। अपराजित सो आते ही दूसरा में शुरू। तो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया लगभग खत्म। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, अभी हमारे लिए एक सरप्राइज आया है। ये वाला हमारा चाय वाला अंकल, ये मस्त है। सुबह हम लोग आते थे प्रैक्टिस के टाइम, समोसा चाय दोनों ये अंकल ही लाते हैं, जान आ जाता है। और अभी गर्मी भी लग रहा है ठंडा में, लेकिन साथ में हमें चाय का प्याज भी लगा हुआ है। समझे बार बार मैं आसम राइफल्स, हम सबकी तरफ से आसम राइफल पब्लिक स्कूल, हमारा स्कूल, हमारा बचपन का जो जान प्राण है, थैंक यू बोलना चाहते हैं सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, सीओ सर को, एकदम पूरा आसम राइफल के सब पूरा अथॉरिटी को हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग का एक सपना जैसा था कि हम कभी एनुअल डे में एक परफॉर्मेंस करें बन के, एक्स स्टूडेंट बन के। दो दिनों बाद मिले टीचर के साथ, एकदम मतलब स्कूल का वाइब्स, मजा आ रहा है हम लोग। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जो प्राण में डांस कर रहा था, उसको लग गया बहुत बड़ा एक चोट पैर में, उसके राइट लेग में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो हम लोग उसको लेके जा रहे हैं अभी जीबी हॉस्पिटल, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप एवरीथिंग गोस वेल। मगर अभी जीबी थोड़ा सा सोचा मैं। अभी प्राणमय जीबी में है, मैं और अभी निकलने वाले हैं और हम लोग उसके पेरेंट्स भी आया हुआ है, रहेंगे फिलहाल। हम लोग घर जाते हैं, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक्सरे का लाइन में खड़ा है सब लोग, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, फिर बाकी अपडेट मिल जाएगा। मैं आ गया मेरे घर, रूम पे जाके फ्रेश हो, जल्दी से गाना मिक्स करना है क्योंकि परफॉर्म तो करना ही कर। एंड आई होप कि प्राणमोह जल्दी ठीक हो जाए। आज का ब्लॉग शुरुआत कुछ और तरीके से हुआ था और एंडिंग कुछ और तरीके से हो रहा है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग अगर नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और लाइक कर दो, कॉमेंट करो कि कुछ भी आपका मन में जो आए वो कॉमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। Bye. As always, keep smiling, be original, be you, and ta-da.